The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. So, namaskar, adab, sat sri akal, dosto, main hu Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr. Education. आज हम बात करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं सारा कच्चा चिट्ठा फैटी लिवर का, यानी कि आपके लिवर के अंदर चर्बी, फैट और उसके साथ जुड़ी हुई सारी अलग अजीबोगरीब डरावनी गलत धारणाओं का। कई लोग डर जाते हैं, सर मुझे फैटी लिवर हो गया था, जैसे कि एक बीमारी समझ लेते हैं। टेक्निकली फैटी लिवर एक बीमारी नहीं है, ये सिर्फ जिस प्रकार आपके पेट में नीचे थोड़ी सी चर्बी लटक जाती है, जैसे बहुत मोटे हो जाए तो गर्दन में थोड़ी सी चर्बी लटक जाती है, बिल्कुल वैसे आपके लिवर में भी चर्बी आ जाती है, होती है। सो क्यों इसके बारे में लोग डरते हैं, क्या एक्चुअली इससे लिवर ख़राब हो सकता है, कितना परसेंट खतरा है, इसके ख़तरनाक वेरिएशन कौन से हैं, इसका नॉर्मल वेरिएशन कौन सा है, इसके कारण क्या क्या है, अल्कोहलिक फैटी लिवर क्या है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर क्या है, नैश क्या है, NAFLD क्या है, आज हम सारा कुछ जानेंगे तुरंत तुरंत पट पट शॉर्ट में। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज फैटी लिवर। मतलब लिवर तुम्हारा सबसे बड़ा और लार्जेस्ट ऑर्गन है आपकी बॉडी में, एक्सेप्ट फॉर द स्किन, इंटरनल ऑर्गन सबसे लार्जेस्ट है। आपकी बॉडी को डाइजेशन और एनर्जी स्टोर करने में भी मदद करता है, पॉइजन्स को रिमूव करने में, डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है, लिवर बहुत सारे काम करता है। सो लिवर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, एक तो आपके फैट होता है, एक तो ग्लाइकोजन होता है, लिवर के अंदर दोनों चीज़ें होती हैं। सो लिवर के अंदर अगर चर्बी ज़्यादा होने लग जाए, फैट ज़्यादा होने लग जाए, तो उसको फैटी लिवर बोलते हैं, मतलब लिवर में अत्यधिक मात्रा में चर्बी आ रही है। जिस प्रकार आपके शरीर में मोटापा आ सकता है, लिवर भी मोटा हो सकता है। इसके दो मुख्य कारण हैं। मुख्य कारण नंबर वन, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जो कि गलत सलत लाइफस्टाइल के वजह से होता है। दूसरा कारण है अल्कोहलिक फैटी लिवर, यानी कि दारू ज़्यादा पीने की वजह से, दारू पीने की वजह से फैटी लिवर हो जाता है। सो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज यानी NAFLD जो होता है, ये अल्कोहल लिए बगैर या कोई हैवी अल्कोहल, कभी कभार लेता हो अल्कोहल तो उसको अल्कोहलिक नहीं होगा, उसको नॉन अल्कोहलिक होगा। ये सिंपल फैटी लिवर है, इसमें भी दो प्रकार है। मतलब सिंपल फैटी लिवर जो ज़्यादातर लोगों को होता है वो यही होता है, जिसमें कि कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लिवर में फैट है, सिर्फ लिवर में फैट है, कोई इन्फ्लामेशन नहीं है, कोई लिवर में डैमेज नहीं हो रहा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वो सिंपल फैटी लिवर है। 90-95% यही होते हैं पूरी दुनिया में, केवल गिनती चुनी के 5% लोग होते हैं जिनका लिवर में इतनी चर्बी इतने दिनों से जमा है कि वो चर्बी लिवर को डैमेज कर रही है, और वो हो जाता है नैश। नैश का मतलब है नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, मतलब स्टीटो मतलब फैट और हेपेटाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, तो फैट ने इन्फ्लामेशन कर दिया लिवर के अंदर, और ये नॉन अल्कोहलिक है, इसलिए नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। यहां पर लिवर वो फाइब्रोसिस होगा, स्कारिंग होगा, और लिवर खराब हो सकता है, और ऐसा बार बार हो, लंबे समय तक हो, तो कैंसर में भी डेवलप हो सकता है। लेकिन सोचिए ये बहुत रेयर है, 5% से भी कम, मतलब एग्जैक्ट परसेंटेज तो नहीं पर बहुत कम है। दूसरी तरफ है अल्कोहलिक फैटी, जो दारू ज्यादा दारू पीते हैं, वहाँ पर बेसिकली क्या होता है, आपका लिवर जो है आपके अल्कोहल को ब्रेक डाउन करता है, और आपके एक तरीके का हार्मफुल सब्सटेंसेस को अपने शरीर से निकालता है। तो जितना ज़्यादा सब्सटेंसेस हैं आप लेते हैं, उतना ज़्यादा लिवर पे डैमेज होता है, और लिवर के अंदर डैमेज के वजह से इन्फ्लामेशन होता है। यहाँ पर देखिए, पिछली बार फैट ज़्यादा रहता है, बहुत सालों तक रहता है, तब इन्फ्लामेशन हो रहा है, यहाँ पर अल्कोहल खुद इन्फ्लामेशन कर रहा है, और इन्फ्लामेशन के वजह से ही खुद लिवर डैमेज भी हो रहा है, और उसके साथ साथ फैट भी जमा हो रहा है, तो दोनों चीज़ें हो रही है। अल्कोहल में अल्कोहलिक फैटी लिवर भी है, और इन्फ्लामेशन खुद अल्कोहल की वजह से भी है, आगे चल के अल्कोहलिक हेपेटाइटिस जिसको बोलते हैं, अल्कोहल के वजह से हेपेटाइटिस हो रहा है, प्लस फैट है, फैट और अल्कोहल दोनों साथ में मिलता है, तो दैट इज़ देयर। तो यहाँ अल्कोहलिक फैटी लिवर ज़्यादा डेंजरस है, ज़्यादा कॉमन है कि उसके वजह से लिवर ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस है, ना कि नॉर्मल फैटी लिवर। तो अगर हम नॉर्मल लेवल पे थोड़े से वो मोटे हैं, थोड़ा वज़न ज़्यादा है, तो आपका फैटी लिवर होगा। जी हाँ, होगा, मेरा भी होगा, आपका भी होगा, थोड़ा बहुत अगर वज़न ज़्यादा है, तो उसको एबनॉर्मलिटी नहीं बोलते, वज़न कम करोगे फैटी लिवर गायब, वो नॉर्मल है। सो
अब समझना क्या है, फैटी लिवर किसको होगा, जिसको भी मोटापा है, जिसको भी मिडल एज ग्रुप है, जिसको भी मान लीजिए कोई मोटापे वाली बीमारी है, डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़ जैसी बीमारी, जिसको मान लीजिए हाई ब्लड प्रेशर है, जो एक्सरसाइज नहीं करता, जिसका वेट बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, वेट गेन हो रहा है, या कोई ऐसी तरह की बीमारियों से आपके फैटी लिवर के रिस्क बढ़ जाएगी, या लिवर के अंदर कहीं भी कोई दिक्कत हो, तो फैट सेल्स जो है उसका काम है, जैसे हमारे शरीर में फैट्स को ना कुशन माना जाता है, तो कहीं भी दिक्कत हो वहाँ फैट आ जाता है, भाई जहाँ चर्बी डाल दो यहाँ कुशन है, वहाँ बचाओ बचाओ जाओ बचाओ, सो इन्फ्लामेशन पे कुशन आ जाता है, जहाँ सुइयाँ टुचो टोचते हैं ना इंसुलिन लगाने वाले इशू को, वहाँ पे छोटे छोटे फैट आ जाता है, वहाँ पे लाइपोमा टाइप बन सकता है, और दूसरी जगहों पे ऐसे कई जगह स्ट्रेसफुल एरियाज में फैट आ जाता है, तो लिवर में किसी प्रकार का स्ट्रेस हो, हेपेटाइटिस सी हो, कोई टॉक्सिन्स हो, कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो, कोई कैंसर हो, कोई कुछ दवा ले रही है लिवर के ऊपर हार्मफुल, कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल हो, तो आपका फैटी लिवर बन सकता है। सो ये सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको समझना पड़ेगा। याद रखिए, सबसे कॉमन होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, जो सिंपल फैटी लिवर है वो इतना कॉमन है कि हर पूरे दुनिया में 4 में से 1 इंसान को होगा। जी हाँ, 4 में से 1 इंसान पूरी दुनिया में, 25% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज फैटी लिवर। तो काहे डर रहे हो, काहे डर रहे हो, हमें भी है तुम्हें भी है, चिंता काहे कर रहे हो, वेट लॉस करो। हाँ जी हाँ, अगर आपको साथ में ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई ट्राइग्लिसराइड है, बीपी है, तो दिक्कत है, हार्ट की बीमारी है तो दिक्कत है, तो प्लीज अल्कोहल लेते हो तो वो बंद करिए, और फैटी लिवर को ठीक करने के बहुत से तरीके हैं। तो याद रखिएगा, अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ हैवी ड्रिंकर्स में होता है, ड्रिंकिंग ज़्यादा ना करें, लिमिट होती है 1 पैग 30 ml, 2 पैग 60 ml, कतई उसके ऊपर 90 ml के ऊपर तो जाना ही नहीं है, जब भी पिए और रेयरली पीजिए, हफ्ते में एक बार, अगर पीना जरूरी है, नहीं पीना है तो बहुत ही अच्छी बात है, और स्मोकिंग तो करना ही नहीं है। तो अल्कोहलिक या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर पता करना है तो उसका एक ही एक तरीका है, वो होता है अल्ट्रासाउंड। आपके लिवर का अल्ट्रासाउंड होगा, उसमें क्लियरली दिख जाएगा लिवर बड़ा है छोटा है, उसमें अल्ट्रासाउंड के अल्ट्रासाउंड में फैट लेवल कितना है, उसमें डायग्नोसिस हो जाता है। तो उसके साथ अगर आप ये देखना चाहते हैं क्या उसमें इन्फ्लामेशन है, क्या उसमें सिरोसिस हुआ है, क्या उसमें कोई डैमेज हुआ है, तो उसके लिए बेस्ट टेस्ट हो गया आपका फाइब्रोस्कैन। फाइब्रोस्कैन भी अल्ट्रासाउंड के जैसे, बस एक प्रोब लगाई जाती है और उससे देख लिया जाता है। तो फाइब्रोस्कैन, अल्ट्रासाउंड, ये 2 कराते रहिए रेगुलर, पता चलता रहेगा। साथ में बात आती है लिवर फंक्शन टेस्ट की, राइट? एनलार्ज लिवर आ रहा है, लिवर फंक्शन टेस्ट में गड़बड़ है, पीलापन आना है, तो वो हो सकता है आपको जॉन्डिस, सिरोसिस डेवलप हो रहा हो, या जॉन्डिस हो रहा हो, जॉन्डिस सिरोसिस, ये सारे लिवर डिसफंक्शन के चांसेस, लिवर फंक्शन टेस्ट कराना जरूरी हो जाता है। अब लिवर फंक्शन टेस्ट में जब भी लिवर के अंदर इन्फ्लामेशन होगा, थोड़ा सा भी होगा, एक हिस्से में भी होगा, 5% भी होगा, तो LFT बढ़ जाएगा, तो LFT में SGOT SGPT बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ दारू पीने के इमीडिएट बाद भी होगा, बाहर का खतरनाक अजीबोगरीब तेल में तला हुआ खाना, हाई ट्राइग्लिसराइड वाला खाना खाने के बाद भी होगा, कोई टॉक्सिन लेने के बाद भी होगा, कोई पेस्टिसाइड वाला खाना खाने के बाद भी होगा, तो हजारों कारण हो सकते हैं लिवर फंक्शन डिरेंज होने के। सवाल पैदा होता है कितना और क्या वो बढ़ता जा रहा है, तो लिवर फंक्शन रेगुलरली कराओ, रेगुलरली मतलब एक महीने में, दो दो महीने में, अगर आपको रिस्क लग रहा है तो देखना पड़ेगा कि क्या वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो आप क्या गलत कर रहे हो, क्या उल्टा खा रहे हो, क्या आपके लिवर को कौन डैमेज कर रहा है, ये सवाल पैदा होता है। सो ब्लड टेस्ट रेगुलर करना, ब्लड काउंट्स करना, उसके अलावा CBC, ESR, HSCRP बताएगा कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है, इन्फ्लामेशन तो नहीं है, बहुत स्टिफनेस लग रही है, अजीबो गरीब लग रहा है, तो लिवर के अंदर हो सकता है कोई और बीमारी आ रही है, कोई इन्फेक्शन हो, कोई सिस्ट हो, कोई फंगस हो, कोई राव लार, कोई पैरासाइट हो, तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। सो अल्टीमेटली याद रखिए, फैटी लिवर का सिर्फ और सिर्फ एक ट्रीटमेंट है, लाइफस्टाइल, पतले होना। पतले होने के लिए बहुत से वीडियोस हैं हमारे, देखिए, लो कार्ब डाइट, मॉडरेट प्रोटीन, अ लॉट ऑफ सैलेड, अ लॉट ऑफ फ्रूट्स, अ लॉट ऑफ शुगर, अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज, अ गुड स्लीप, नो स्ट्रेस, वेरी सिंपल फॉर्मूला, करोगे ठीक हो जाओगे, गोली गाली से कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इफ अगर नैश है, इवन इफ अगर अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, नॉन अल्कोहलिक है, सिंपल है, यही ट्रीटमेंट है, राइट? कोई खास मेडिकेशन नहीं है, लिवर सपोर्टिव मेडिसिन ले सकते हैं, विटामिन ई, लिवर 52, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यू कैन टेक यूटी लीव, यू कैन टेक अदर काइंड ऑफ सिंपल सपोर्टिव मेडिसिन, बट द ट्रीटमेंट रिमेन्स द सेम, लाइफ स्टाइल करेक्शन। ये नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। ओके, गुड लक,
आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे कोशिश करके. सो दिस इज ऑल एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट फैटी लिवर. कतई इसके बारे में इतना टेंशन लेना बंद कर दीजिए. बहुत ज़्यादा लिवर ख़राब होता है तो सिरोसिस होता है. सिरोसिस के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो में समझाया हुआ है. सर्च दैट सिरोसिस बाय डॉक्टर एजुकेशन, यूट्यूब पे सर्च मारिए. और अगर और किसी इसके बारे में जानना है, अल्कोहलिक फैटी लिवर, नैश, इन सब के ऊपर डिटेल वीडियोज़ हैं, जाके सर्च मारिए, उनके ऊपर डिटेल समझिए. एंड वेट लॉस करना है, वेट लॉस के बारे में सर्च मारिए, उसका वीडियो समझिए. सबको शेयर करिए. थैंक यू सो मच. स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.